हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। नक्के कार केयर से आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने में। तो i20 आई है मेरे पास में, फिर मैकेनिक की गाड़ी। देखिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि चेक लाइट और इमोबलाइजर का लाइट उस समय के लिए आता है फिर चला जाता है। ये वाला केस हमारे पास पहले भी आ चुका है और हमने इसको डायग्नोस करके, जो मेरा ओवीडी लगाने के बाद में सब हमने डायग्नोस कर लिया है। तो इसमें हमको प्रॉब्लम मिला है कि ये जो ईसीएम है ना, आपको पता ही होगा ये ईसीएम के अंदर की प्रॉब्लम है। ये वीडियो पहले भी बनाई है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको मैं इसकी डिटेल में वीडियो बताऊँगा कि ईसीएम के अंदर में होता क्या आखिर, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हमने खोलते हैं। इसका बैटरी भी डाउन है और ईसीएम खोलो, इसको निकालो। ये ईसीएम है, अब उसको बैटरी को चार्जिंग में लगा दो। बैटरी खोल लो, बैटरी चार्जिंग में ला लो। क्या होता है मैकेनिक के पास से जब गाड़ी आती है ना, आधा अधूरा सब खुला खुला आता है हमारे पास में। तो अब ये ईसीएम आ गया मेरे पास में, अब हम ईसीएम को खोलते हैं। अब यहाँ पर पॉज करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। चलो हाँ जी, आज आपको मैं बताया था ना कि ईसीएम के बारे में डिटेल जानकारी दे रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से आपको 1 by 1 चेक करने की भाई आपकी चेक लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो ये देखिए सबसे पहले ये जो डायोड है, ये डायोड को चेक करना है। इसमें बता रहा है कि वन साइड बताएगा कंटिन्यूटी और वन साइड नहीं बताएगा, इसकी वैल्यू बताएगी। ये देखिए इस साइड नहीं बता रहा है, दूसरी साइड पलट के बताएगा। ये देखिए 517 510 का इसका वैल्यू आ रहा है। और ये जो आईसी होती है बड़ी, ये पूरे प्रोग्रामिंग आईसी है। उसके बाद ये जो है एक, ये दो, ये हमारे इंजेक्टर की सप्लाई के लिए रहते हैं, है ना। और ये कैपेसिटर है, ये वाला ये कैपेसिटर के आसपास भी ज़्यादातर डैमेज होता है। और ये डायोड ऐसे उड़ते हैं। तो 1 by 1 आप चेक करोगे तो आपको सब नज़र आ जाएगा। तो आपको मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए कि भाई कैसे इसको चेक करना है, कंटिन्यूटी में रख करके डायोड को, आईसी को। आईसी तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से गर्म होती है फट जाती है, तो हमको पता लगता है कि आईसी ख़राब है। फिर हम आईसी सामान तो खैर मिलता नहीं, इसका दूसरी प्लेट से निकाल करके लगाना पड़ता है इसका। तो यही है डिटेल, अगर आप इसको गौर से नज़र मारेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिलेगा। और कई बार होता है कि मेन प्रोसेसिंग आईसी उड़ जाता है तो फिर रिपेयर भी नहीं होता है। बहुत सारे केस होते हैं जिसमें रिपेयर नहीं होता है। तो यही है डिटेल इसकी, ठीक है। अभी इसको हम फिट करते हैं, वापस लगाते हैं गाड़ी में, देखते हैं अभी हमारा ये बना है कि नहीं। रिपेयर तो मैं एक दो जगह किया हूँ और करने के बाद में अब इसमें सोल्डिंग किया है। अब हम लोग इसको वापस फिट करके गाड़ी में लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है। पहले देखते हैं ना, ये चार पिन बड़ी पिन इधर है, ये सब देख के फिर उसका ये जो खांचा है ना, इसके खांचे में ये बैठेगा। हाँ ये इसको, ये क्या है कि किसी ने जबरदस्ती खोला है ना तो टूटा हुआ है। चल लगा, ये हम ऊपर ही ऊपर अभी लगा के चेक कर रहे हैं, गाड़ी हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलो एक बार और चालू कर, अभी तो बीच में वीडियो फोन आने की वजह से बंद हो गया था। चल चालू कर। हाँ अभी चालू हो गया हमारा गाड़ी। मतलब कहने वाला ये है कि देखिए इसमें हमको ना कोडिंग की ज़रूरत पड़ी, ना चाबी स्विच को हमको खोलना पड़ा, ना कुछ, ना एसीएम डालते तो हमारे को पासवर्डिंग कोडिंग सब करना पड़ता, मैचिंग करना पड़ता, स्मार्टरा को पूरा मैच करना पड़ता। अब इसी को रिपेयरिंग कर लिया है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ठीक है हमारा एसीएम रिपेयर हो गया है। आगे भी किसी को ज़रूरत होगा ईसीएम रिपेयरिंग करना करवाना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया हुआ है मेरा, तो कोई भी कॉल कर सकता है मेरे को यूट्यूब पे। चलो बंद कर दो। ओके, सब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को फिर से आप सब्सक्राइब लाइक और व्यू दें, ताकि मैं ऐसे ईसीएम रिपेयरिंग वाली सब वीडियो आपके में डालता रहूँ।